ठंड में काली बहू की गोरी सौतन। हे भगवान, आज तो गजब की ठंड है। उस पर ये बर्फीली हवा तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही है। इन दिनों हर तरफ ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है। ठंड के कहर के साथ बेचारी काली कुमकुम को अपने पति और सास का अत्याचार और सितम भी सहना पड़ता है। कुमकुम को ठंड से बुरी तरह कपकपाता देखकर उसकी बेटी आनंदी कहती है, माँ तुम्हें तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। देखो तुम्हारे हाथ भी लाल पड़ गए हैं। ये बाकी के बर्तन छोड़ दो, मैं धो दूंगी। नहीं आनंदी, तू जाकर बस पढ़ाई कर। मैं नहीं चाहती कि अपनी मजबूर माँ की तरह तू भी बर्तन मांजे। ये कहते हुए कुमकुम के मन में एक बड़ा दुख था। तभी गद्देदार रजाई में पड़ी कादम्बरी देवी चिल्लाई, अरे ओ काली कलूटन, सारा दिन क्या बर्तन ही घिसती रहेगी, यहाँ आ। आवाज सुनकर बेचारी बहू बीच में ही बर्तन छोड़कर डरी सहमी हुई सास के पास आई। जी माँ जी। जाकर मेरे लिए धुली मूंग दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर ला। थोड़ी देर में कुमकुम खिचड़ी बनाकर उसे लाकर देती है। तभी बगल में रखे डिब्बे में से घी निकालकर कादम्बरी खिचड़ी खाने लगती है। आनंदी के हाथों में रूखी सूखी रोटी थी। तभी उसने कहा, दादी मुझे भी रोटी में थोड़ी सी घी दे दो ना, ये रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती। इतने में कंजूस कादम्बरी ने बेचारी उस बच्ची के बाल खींचते हुए कहा, बड़ी आई घी खाने, जब देखो गरीब माँ बेटी मेरे खाने में नजर गड़ाए रहती है। छोड़ दो दादी, मुझे दर्द हो रहा है। माँ जी छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसके बाद कुमकुम आनंदी को लेकर जैसे ही बाहर आई तो दरवाजे से जगदीश अपनी गोरी पत्नी उर्मिला के साथ गले में वरमाला डाले अंदर आया। ये मंजर देखकर कुमकुम का मन छन्नी छन्नी हो गया। उर्मिला के तन पर लाल लहराती मखमली साड़ी और तन पर गर्म शॉल था, जो कि काफी महंगा जान पड़ रहा था। आओ उर्मिला, मैं तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। माँ, माँ कहाँ हो आप? कुमकुम ने डबडबाई आंखों से कहा, अजी कौन है ये औरत? मुझे तो लगा था कि मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर तुम समझ जाओगी कि मैं जगत, मेरा मतलब जगदीश जी की पत्नी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अजी तुम मेरे जीते जी मेरी सौतन ले आए, एक बार भी मेरे या हमारी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। तभी एकदम से बौखलाकर जगदीश ने कहा, तो क्या सारी जिंदगी तुझ जैसी काली कलूटन के साथ काटू? मैं जैसी पत्नी ढूंढता था और मिला बिल्कुल वैसी है, गोरी सुंदर। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, निकल जा इस घर से और अपनी इस काली बेटी को भी अपने संग ले जा। जगदीश, अगर ये चली जाएगी तो इस ठंड में काम कौन करेगा? इसे यहीं रहने दो, हम कुत्तों को तो रोटी डालते हैं ना, दो रोटी इसे भी डाल देंगे। जो भी हो जगदीश, तेरी ये बीवी एकदम दूध सी सफेद है, उस चांद में भी दाग है, मगर उर्मिला बहू में कोई कमी नहीं। अपनी सास के मुंह से सौतन की सुंदरता का बखान बेचारी उस काली बहू का जिया जला रही थी। काली और बदसूरत होने के चलते अब तक तो कुमकुम को अपनी सास और पति का अत्याचार ही झेलना पड़ता था, मगर अब उसकी गोरी सौतन भी उसके दुखों को बढ़ाने वाली थी। आने के साथ ही कुमकुम की गोरी सौतन ने अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। उफ जगदीश, इस कमरे में तो उस काली कलूटी का सामान भरा हुआ है, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? अरे मेरे दिल की रानी, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल का दरवाजा खोल रखा है, तुम इसमें रह लो। अरे अब तुम मेरी बीवी हो, जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद उर्मिला का मन और भी घमंड से भर गया और उसने कुमकुम का बक्सा और कपड़े बाहर कमरे से फेंक दिया। तुम मेरे कपड़े क्यों फेंक रही हो? क्योंकि अब इस कमरे में मैं रहूंगी, तुम दोनों काली कलूटन माँ बेटी रहोगी इस आंगन में। इतनी ठंड में मैं और मेरी बच्ची यहाँ कैसे रहेंगी? अगर नहीं रहना तो उठा अपनी गठरी और निकल जा। कुमकुम के पास उसके ससुराल के सिवा उस ठंड में कोई ठिकाना नहीं था। वो आंगन में ही रहती। कुमकुम और उसकी बेटी ठंड में रात भर ठिठुरती रही। सनसनाती हुई हवा उस काली बहू और उसकी बच्ची का रोम रोम कपा रही थी। माँ बहुत ठंड लग रही है, ओढ़ने को कुछ दो ना। क्या दूँ मेरी बच्ची, कुछ नहीं है,
कुमकुम अपनी साड़ी का फटा आंचल अपनी बेटी को ओढ़ा देती है और खुद ठिठुरती है और बस आंसू बहे जा रहे थे। वो एकटक आसमान को ताकती हुई बोली, देख लो बाबा, तुम्हारी काली बदनसीब बेटी ससुराल में कितना सुख भोग रही है। क्या सोचकर तुमने मुझे यहाँ ब्याह दिया। ये कहते हुए कुमकुम बीते दिनों की याद करने लगी। माँ, आप क्यों मुझे सूली पर टांग रही हो? अपने गोरे बेटे के लिए आपको काली कलूटन ही मिली थी। अरे तो क्या तेरी सुंदरता को चाटू? एक चवन्नी भी कमाता धमाता नहीं तू। सैकड़ों रिश्ते तुझे देखने आए और घर द्वार देख कर चले गए। कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता। हमें वो गिरिवर सोने की चेन अंगूठी और 2 लाख ही दे रहा है, उसे हाथ से जाने दूं? लालच में जगदीश शादी के लिए हाँ कर देता है, पर भोले भाले गरीब गिरवर को कहाँ पता था कि वो किन्हीं लोभियों के हाथ ठगा गया है। बहन जी, आज से मेरी बिटिया आपके घर की अमानत हुई, ये दहेज की रकम। विदा होकर कुमकुम ससुराल आ गई, मगर पहले दिन से ही दोनों माँ बेटे उस पर अत्याचार ढाने लगे। इस बात का पता लगते ही गिरवर सदमे से मर गया और कुमकुम ने उसे अपना दुख भरा भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। यही सब सोचते हुए कुमकुम की आंख लग गई। तभी सुबह होते उर्मिला ने उस बेचारी पर बर्फीला पानी डाल दिया। कुमकुम थरथरा उठी। हे ईश्वर, देखो तो मेरी ये काली सौतन कैसे थिरक रही है। ये क्या अत्याचार है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझ पर ये अत्याचार क्यों ढा रही हो? मुझसे मेरा पति छीन लिया, तुम खुद कभी सुखी नहीं रहोगी। जब सच न सुना गया तो उर्मिला उसके बाल पकड़कर बोली, बड़ी लंबी जुबान है ना तेरी, इसे संभाल कर रख। चल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और मलाई मारकर चाय बनाकर मेरे कमरे मिला। उस दिन से कुमकुम पर उसकी गोरी सौतन का अत्याचार रोज का हो गया। उस भयंकर ठंड में उर्मिला उसे ठंडे पानी से कपड़े बर्तन मंजवाती और खुद मखमली रजाई में पड़ी रहती। क्यों ना इस कल्लो माई पर थोड़ा और जुल्म ढाया जाए। उर्मिला ने हैंडपंप का नट निकाल दिया और कहा, अरे ओ काली माई, चल मुझे हैंडपंप से ताजा पानी भर कर दे। ये क्या, हैंडपंप का नट तो निकला हुआ है। देख लीजिए सासू माँ, इसने हैंडपंप तोड़ दिया, अब इस ठंड में पानी कहाँ से आएगा। बौखलाकर कादंबरी ने बेचारी काली बहू को बहुत मारा, साथ ही ठंड में उसे नदी से पानी भरकर लाने को भेज दिया। आखिर में हार कर कुमकुम ने अपनी बेटी के साथ ससुराल छोड़ दिया। पर कहते हैं कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद उर्मिला का असली चेहरा उसकी सास और पति के सामने आना बाकी था। बहू आज ना तू खाने में कुछ बढ़िया बनाना, क्योंकि ये काली बहू जो चली गई, एक काम कर, आलू पराठा और पुदीने की चटनी पीस दे और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। तभी उर्मिला ने अकड़ से कहा, अरे ओ सासू माँ, कौन सी ख्यालों की दुनिया में जी रही हो? ये मिट्टी का चूल्हा फूकना मेरे बस का नहीं है, मेरा गोरा रंग ढल जाएगा। चलिए उठिए और हाँ, मेरे लिए बढ़िया बटर चिकन बनाओ। उर्मिला, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे रहते माँ क्यों खाना बनाएगी? तो तुम बना दो, बड़ा आया माँ का लाडला। जैसे तैसे कादंबरी उस कड़कड़ाती ठंड में पहले थाक भरकर बर्तन मांजती है और चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बनाती है, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है। तो वहीं कुमकुम अपनी बेटी के साथ भटकते भटकते एक बेसहारा औरतों के एनजीओ में पहुंच जाती है, जहां सिलाई कढ़ाई करके वो ठंड के मौसम में अपना गुजारा चलाती है। तो वहीं उर्मिला का अत्याचार उसके सास और पति पर बढ़ता जाता है। अरे ओ मेरे पति देव, निठल्लू की तरह घर में पड़े रहोगे? मैं तुम दोनों माँ बेटे को अब और मुफ्त में नहीं खिलाऊंगी। जाओ जाकर लेबर माटी में लगो, या फिर चोरी करो या डकैती, मुझे पैसे लाकर दो। इतना सब सुनकर जगदीश आंसू से कहता है, मैं मेहनत करूंगा उर्मिला, मगर अपनी बेबी और बच्ची के लिए चली जाओ मेरे घर से। जगदीश उर्मिला को छोड़ देता है और कुमकुम और आनंदी को ढूंढकर उन्हें घर ले आता है। मुझे माफ कर दो कुमकुम, मैंने और माँ ने तुम्हारी कदर नहीं की, मगर अब हमें एहसास हो गया है मेरा ये घर द्वार तुम्हारे बिना सूना है, इसे फिर से संवार दो। ये सुनकर उस काली बहू की आंखों से खुशी के आंसू बह जाते हैं। आखिर में कुमकुम को अपना घर आंगन मिल जाता है, जिसके बाद वो खुशी की जिंदगी बिताने लगती है। तो वहीं उसकी जिंदगी में सौतन बनकर आई उर्मिला अकेली ही जीती है।